जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस की 92 में। साथियों, शिक्षक भर्ती परीक्षा, शिक्षक भर्ती एग्जाम, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट, बिहार के अंदर एनसीटी, इन सब का जो मामला है वो कहीं खुशी तो कहीं गम का माहौल उत्पन्न कर दिया है। अब इस माहौल के अंदर आज फाइनली रूप से हम लोग बातचीत करेंगे कि क्या बीएड अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया है। अगर बीएड अभ्यर्थी बाहर हो गए तो डीएलएड वालों की तो बल्ले बल्ले होनी ही है। लेकिन आपको हम तथ्य के साथ बातचीत करेंगे आज के इस वीडियो में। तथ्य मतलब कि किनको कहां पर कितनी सीटें हैं और किस तरह के कट ऑफ के अंदर जाएंगे जो उनको जो है आसानी से नौकरी में, यानी कि पीआरटी एग्जाम में 1-5 में वो उनका सिलेक्शन अंतिम रूप से हो सकता है। बहुत सारा वीडियोज आप लोग देखे होंगे, कई तरह के वीडियोज आपके सामने आए होंगे, लेकिन चूंकि नौकरी पाना है तो दिन और रात YouTube के पीछे आप लोग भी लगे रहते हैं कि भैया फलाना चीज फलाना चीज फलाना चीज। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे पूरी तरीके से तथ्य वाली चीज, और आपको पता होना चाहिए कि किस कैटेगरी में कितने मतलब सीट है, कहां पर कितना आरक्षण काम कर रहा है और किस तरह से आपका जो है सिलेक्शन जो हो पाएगा उसके लिए हमारा अंतिम जो है फाइनल कहिए तो आपको आंसर की आने के बाद से जो कट ऑफ है वो क्या हो सकता है। साथ ही साथ साथियों, अगर बीएड अभ्यर्थी बाहर हो गए पीआरटी से तो अब बीएड अभ्यर्थियों को करना क्या चाहिए, इसके बारे में भी जानकारी आपको देंगे। और डीएलएड अभ्यर्थी, सिर्फ और सिर्फ डीएलएड अभ्यर्थी यदि 1-5 में शामिल होते हैं, उनका कट ऑफ क्या रहने वाला है, कितना नंबर ला करके वो सिक्योर है, कितना नंबर ला करके वो आसानी से अंतिम रूप से कहिए चयनित हो सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं फटाफट। आप सभी साथियों सेशन को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करिए, सभी लोगों को पता चल जाए, और साथ ही साथ लाइक जरूर कर दीजिएगा। एक महत्वपूर्ण आप लोग को सूचना दे देते हैं कि जो भी साथी बीएड है, बीएड वाले जो मैथ साइंस और सोशल साइंस के लिए 9-10 में अभी एसटीईटी दिए होंगे, तो 9-10 के लिए जो सोशल साइंस, साइंस और मैथमेटिक्स के लिए, तो आपको नीचे जो नंबर चल रहा है आपको दिख रहा होगा, 2 नंबर चल रहे हैं, किसी भी नंबर पर व्हाट्सअप कर करके अपनी तैयारी में जुट जाइए। अरे 1-5 क्या चीज है, आप हाई स्कूल और प्लस टू के लिए बने हैं, आप हाई स्कूल और प्लस टू के लिए मेहनत करिए। लेकिन मेहनत करिए, आसानी से आपको सफलता कैसे मिल सकता है, किस स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करेंगे, आप वहां से सजेशन ले सकते हैं। आपको 2 नंबर उपलब्ध कराया गया है। तो चलिए आज के इस सेशन को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले साथियों, आपको ये पता होना चाहिए कि कुल सीट हमारा कितना है। ये हमारा है सीटों की संख्या जो है 79,943, इसमें पता है आपको। इसमें उर्दू 12,729 और बांग्ला 148, कुल मिलाकर के 12,877 सीटें जो है आप उर्दू और बांग्ला में आरक्षित कर दिए, सुरक्षित कर दीजिए। शेष जो सीट बचता है 67,066 सीट, इस सीट को अगर ठीक से देखिएगा तो जनरल मेल में आपका 13,396 है। अब जनरल मेल की जो संख्या होगी वो कम से कम 30-35-40 हजार तक हो सकता है, 30-35 हजार तक हो सकता है, निश्चित रूप से होगा। और ये इसमें सीटों की संख्या है 13,396। अब इसी 13,396 में आपको जो अन्य राज्य, यूपी, झारखंड, अन्य अन्य राज्यों के जो लोग आए होंगे वो इसी 13,396 में घुसेंगे पुरुष, और जो महिला आएंगे वो इसी 13,435 में जनरल फीमेल जो होंगे वो घुसेंगे। साथ ही साथ बीसी, ईबीसी, अन्य जो भी हैं, अगर बेहतर मार्क्स लाते हैं, मतलब जनरल कट ऑफ को पार कर जाते हैं, तो वो भी इसी के अंदर घुसेंगे। तो समस्या ज्यादा कहां पर है आपको, जनरल कैटेगरी में जाकर के। आप यूपी वाले को भी घुसा रहे, आप यूपी के साथ साथ आप झारखंड, उत्तर प्रदेश, मतलब उड़ीसा, अन्य राज्य जो भी जहां से भी लोग आए हैं उन सबको भी आप इसके अंदर घुसाएंगे, तो ये सबसे टफेस्ट हो जाएगा। कोई जो कह रहा कि 40 प्लस में हो जाएगा, 45 प्लस में हो जाएगा, 50 प्लस में हो जाएगा, जी नहीं, इसको ध्यान से समझने की जरूरत है। आप इसी सीट के अंदर 13,26,000 में लगभग 27,000 मानिए, इस 27,000 में किसको किसको घुसा रहे हैं, इस बात को तो आप देखिए। उत्तर प्रदेश वाले कोई पढ़ के नहीं आए होंगे, कुछ ना कुछ तो पढ़े होंगे, क्या झारखंड वाले पढ़ के नहीं आए होंगे, पढ़ के तो आए होंगे निश्चित रूप से, उनको भी इसी के अंदर घुसना है, ये बात ध्यान रहे। अब उसके बाद ईडब्ल्यूएस वाले, अब देखिए 2022
22 वाला बात नहीं है कि 2019 में जो लोग फॉर्म भरे थे ईडब्ल्यूएस नहीं लगाए थे, बहुत सारे लोग ईडब्ल्यूएस भी लगाए हैं। ईडब्ल्यूएस में 10% चूंकि आरक्षण है, 3357 और 3345 ये ईडब्ल्यूएस मेल और ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए आपको ये सीटें हैं। तो ईडब्ल्यूएस में आपको ये आ गया। अब बीसी मेल में 6025 सीटें हैं और ईबीसी मेल और ईबीसी फीमेल में आपको 6025 और 6044 सीटों में पूरे बिहार के अंदर आपको यही सीट है। तो आप देख सकते हैं लगभग एक जिला में 200 के आसपास सीट पड़ेगा, 200 के आसपास सीट पड़ेगा। तो आप एक जिला में 200, तो एक प्रखंड में कितना, वही 15-20 का आंकड़ा जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं एक प्रखंड में 15-20 का आंकड़ा जाएगा यही बीसी में, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों में। अब बीसी मेल की बात करेंगे तो 4014 सीटें हैं आपका, और बीसी फीमेल की बात करेंगे तो 4027 है। साथ ही साथ बीसी फीमेल में अन्य जो है अलग से आता है, 2000 सीटें ये आरक्षित होता है अलग से। ये कुल मिलाकर के देख सकते हैं ये बीसी के लिए इतना है। अब बीसी में बहुत सारे जो है स्टूडेंट हैं, आपको सबसे ज्यादा अगर स्टूडेंट है तो बीसी में ही है। बीसी में यादव आते हैं, बीसी में आपको कोयरी आते हैं महतो, बीसी में आपको बनिया वर्ग आता है, बहुत सारा जाति बीसी के अंदर आता है। और वो सारे के सारे लोग इसी में फाइट किए हैं और बहुत सारे लोग उसमें पढ़ते भी हैं। अब एससी में चले जाइएगा तो लोग कम पढ़ते हैं, एसटी में चले जाइएगा तो कम, बीएड डीएलएड लोग कम कर पाते हैं, एकेडमिक क्लास करते करते ही टाइम खत्म उनका। तीन बातों को समझिएगा। तो यहां पर भी आपको फाइट होने वाला बीसी में भी, जनरल के बराबर फाइट है बीसी के अंदर, ठीक है, जनरल के बराबर फाइट कहां होगा, बीसी के अंदर। लेकिन एक बात है कि डीएलएड में कट ऑफ आपको निश्चित रूप से घटेगा। बीएड वाले ज्यादा ग्रेजुएट होते हैं, लंबे समय का एक्सपीरियंस होता है, तो बीएड वाले क्या करते हैं, ज्यादा एक्सपीरियंस था तो बीएड वाले लोग ज्यादा मारे हैं, 65-70 जो आ रहा है वो बीएड वाले को ही आ रहा है, और डीएलएड वाले जो है उन लोगों का मार्क्स घटा हुआ है। अब देखिए ना, सैकड़ों लोगों का हम लोग के पास कॉल मैसेज आते रहता है हमेशा, तो इससे आंकड़ा ये लग जाता है भाई डीएलएड वाले का जो मार्क्स है वो थोड़ा सा कम है, सिमटा हुआ है बीएड की अपेक्षा। तो ये बातें हैं। तो ये आपको एससी एसटी की बात कर लीजिए, यहाँ एससी में आपको 5374 है और एससी में मेल में आपको 5352 सीटें हैं और एससी फीमेल में 5374 सीटें हैं। इसको समझना हमको लगा कि ज्यादा जरूरी है आप लोगों को, तभी जाकर के आप अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएंगे, ना कि सीधा कट ऑफ। आप कहाँ जाइएगा भैया, आप अपने कैटेगरी में ही कट ऑफ लाइएगा। और अगर जनरल वाले अगर 50,000 हो गए, सीट है यहाँ पर 26,000, 50,000 आ गए, ऊपरे से नहीं लिया जाएगा, नहीं, बातों को समझिएगा। चाहे बीसी की ही बात की कि ज्यादा इसमें मारा मारी है, तो बीसी में अगर मान लीजिए कि 50,000 स्टूडेंट पास हो गए, सपोज दैट, ये होगा नहीं, सपोज दैट की हम बात कर रहे हैं, और अगर 50,000 पास कर गए इसके अंदर, तो किसको लेगा, ऊपर से ही नहीं लेगा, ऊपर से लेगा। तो इन बातों को समझना ज्यादा जरूरी था, ठीक है। अब आइए बात कर लेते हैं कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ जो होगा। दुनिया जहान सैकड़ों कट ऑफ आपने देखा होगा, लेकिन इस कट ऑफ को आप रामबाण की तरह नोट करके रख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, ये आपको अंतिम कट ऑफ यही आने वाला, ठीक है, बिल्कुल। अब देखिए बीपीएससी टीआरई फाइनल कट ऑफ 2023 के लिए हमने तैयार किया है, पूरी हमारी टीम एक्सपर्टों की टीम है, सब लोगों की राय विचार से, विभिन्न बच्चों के द्वारा जो कॉल आया, मैसेज आया, उन सबको देखते हुए आंकड़ा जो लगा है वो ये कहता है कि जनरल में कट ऑफ जो होगा वो 58-64 के बीच हो रहा है। जनरल में अगर मेल है तो, और 58-64 के बीच आ रहा है, तो आप सिलेक्शन में जा रहे हैं, आप सिलेक्शन की ओर जा रहे हैं। और जनरल में अगर फीमेल है 52-58 के बीच अगर आ रहा है, तो अलग अलग जिलों की बात अलग अलग होगी, अलग अलग जिलों की बात अलग अलग हो सकता है, किसी जिला में 52 पढ़ी हो जाए, किसी जिला में 58 पढ़ो, 59 पढ़ो, 60 पढ़ो, ठीक है, इस बातों को समझना है। एक दो अंक आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये कट ऑफ इसके अंदर है, यानी 52-60 के बीच है, तो आप सुरक्षित है, अपने आप को सुरक्षित मानिए। ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो नहीं, 45 पर नहीं जाएगा ईडब्ल्यूएस, संख्या ज्यादा है ईडब्ल्यूएस का भी, इसलिए इस बात को समझिए, 50-55 आपका ईडब्ल्यूएस में आएगा, और 48-52 अगर फीमेल है ईडब्ल्यूएस लगाए हैं तो आपके लिए ये सुरक्षित है। वही बात करिएगा ईबीसी मेल के लिए, 52-57 सुरक्षित है, आप 52-57 की ओर हैं तो आप निश्चित रूप से सुरक्षित हैं, और आप 45-50 की ओर हैं तो भी आप सुरक्षित है, महिला है तो, कितना, 45-50 के बीच ईबीसी में। वहीं बीसी में थोड़ा सा बढ़ेगा,
55 से 60 के बीच, हमने कहा कि जनरल और बीसी का मार्क्स जो है वो एकदम कुछ थोड़ा ही अंतर पर रहने वाला है। ये देख लीजिए, थोड़ा ही अंतर है कि नहीं है, थोड़ा ही अंतर रहने वाला है। ये 55 से 60 है और यहां पर 50 से 55 के बीच आपका आने वाला है, ठीक है। अब वही बात करिए, 48 से 52 आ जाएगा आपका एससी में, और आपको 42 से 48 के बीच अगर महिला एससी कैटेगरी में है तो 42 एकदम 42 43 44 सुरक्षित है आपके, ठीक है। क्योंकि महिलाओं का जो मार्क्स है ना बहुत ज्यादा डाउन गया है। आप जित मैक्सिमम लोग कहेंगे सर मेरा 40 आ रहा है, मेरा 42 आ रहा है, मेरा 43 आ रहा है, जितने लोगों से बात हो रहा है सिर्फ यही करे सर 45 आ रहा, 44 आ रहा, 43 आ रहा, मतलब 40 से अपर, 40 से ऊपर की ही बात कर रहे हैं, 40 नहीं टूट रहा। लेकिन वही बात है, 55 से ऊपर भी नहीं जा रहे लोग, 55 से नीचे ही आ रहे। तो 40 हो सकता है 40 वाले लोग ही होंगे हजारों की संख्या में, हो सकता है 41 वाले लोग ही हजारों की संख्या में। ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। वही एसटी की बात करिए तो ये भैया तो आप 40-45 नंबर लाएंगे, आपको तो कोई रोक ही नहीं सकता है, 40-45 नंबर में आपका हो जाना, 40 प्लस है महिला है तो एसटी में भी हो जाएगा, ठीक है। और पीएच कैंडिडेट है तो उनको तो मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है उसी में हो जाएंगे, जो पास कर जाएंगे उनको हो ही जाना है, क्योंकि पीएच कैंडिडेट में जो है मार्क्स अच्छी तरीके से ऑब्टेन नहीं कर पाए, बहुत ज्यादा फंसाया है इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक सबसे ज्यादा फंसाया है। कई कई दो दो ऑप्शन है और आप एक को मार दिया, गलत हो गया ना, दोनों होना चाहिए था। ये कुल मिलाकर के फाइनल कट ऑफ आने वाला है और इसके बीच आप हैं तो 100% सुरक्षित है, आपका सिलेक्शन होगा, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए और जब आएगा फाइनल रिजल्ट आएगा तो आप उसके अंदर का जो कट ऑफ होगा उसको मिला लीजिएगा, एकदम 100% हमें लगता है एकदम लगभग इसी के आसपास ही रहे, ठीक है। चलिए साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और बताते हैं, अगर आप बीएड वाले लोग हैं, बीएड वाले अभ्यर्थियों के लिए लगातार आप लोगों के लाइव क्लास दिया जा रहा है, लाइव क्लास 9 to 12 के लिए, 9 to 12 के लिए प्रत्येक विषय का आपका जो है प्रत्येक विषय का क्लास आपको दिया जा रहा है, ठीक है, प्रत्येक विषय का क्लास दिया जा रहा है। तो आप लोग नीचे जो नंबर चल रहा है आप 8278719 73 पर आप लोग व्हाट्सएप करके क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।